आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के 19th लेक्चर में। तो बच्चों हम लोगों ने कल अभिकेंद्र बल पढ़ा था और अभिकेंद्र बल में हमने कल कुछ एग्जांपल देखे थे। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि अभिकेंद्र बल कोई विशेष बल नहीं है, ये उसी में लगने वाले कारकों से उत्पन्न होता रहता है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे कि कैसे कैसे उत्पन्न होता है। तो मैंने कुछ दो आपको होमवर्क दिया हुआ था जिसमें आपसे ये पूछा था कि बताइए कि अगर कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है जो मोड़ पर मुड़ रही है, मोड़ कैसा होता है, कर्व होता है, मतलब लगभग वृत्ताकार होता है। जब कोई व्हीकल किसी मोड़ पर मुड़ रहा होता है तो मुड़ने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और उस आवश्यक अभिकेंद्र बल को उसे आपके व्हीकल के टायरों और सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ये घर्षण बल इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल देगा ताकि ये घूम जाए, मतलब बैलेंस रूप से। इसके बाद मेरे पास दूसरा जो था वो ये था कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर करना कैसे पॉसिबल है, वहां पे अभिकेंद्र बल कहाँ देखने को मिलता है। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं, उन्हें वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह और सूर्य के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, मतलब यहाँ भी है। इसी के अतिरिक्त मैं और बात करूं तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर चक्कर करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य नाभिकीय बल से प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप याद रखेंगे, इवन उसमें लिख लेंगे जो मैंने कल दो पॉइंट आपको होमवर्क दिया था। ठीक, बात क्लियर हो रही है। आज हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल देख करके इस टॉपिक को और क्लियर किया जाए। एक एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरीके से, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए यदि 5 किलोग्राम की कोई गेंद 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर तीस चक्कर प्रति मिनट की दर से गति करती है, तब अभिकेंद्र बल की गणना करें। आइए चेक करते हैं कि अभिकेंद्र बल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बच्चों फैक्टर है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है साइकिल जो है वो 30 साइकिल पर मिनट है। ठीक है, पर मिनट। तो मिनट को आप किसमें चेंज करना चाहते हैं, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए एक काम करिएगा, मिनट की वैल्यू 60 लिख दीजिए तो साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 साइकिल पर सेकंड। ये लीजिए एन की वैल्यू आ गई। अब यहां से ओमेगा निकालना होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2πn। तो 2 × π इंटू एन के जगह पे क्या होगा 1/2, कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फोर्स निकालते हैं। ठीक है, बल निकालते हैं। तो बल जो कि है अभिकेंद्र बल, उसका फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में बच्चों क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है 5, देखिए 5 kg, और आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर में घूम रहा है। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू क्या है पाई, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पाई आई हुई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, मतलब अभिकेंद्र बल कितना कार्य करेगा ये आपको पता चला कि 5π² न्यूटन का अभिकेंद्र बल इस पर कार्य कर रहा है। ओके, अब हम आज बात करेंगे अपकेंद्र
बल का, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? देखिए बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गतिमान है, अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर चल रहा है और उस वृत्तीय पथ पर गतिमान कण पर या उस फ्रेम पर कोई दूसरा कण है जो कि उस वृत्तीय गति का हिस्सा नहीं है, तो उस कण पर अचानक एक बल कार्य करता है वृत्तीय पथ के अंतर्गत, अचानक एक बल कार्य करता है जो उस वृत्तीय पथ में अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में होता है। अभिकेंद्र बल कहाँ होता है? अंदर की ओर। तो उस बल का परिमाण जो है उस अभिकेंद्र बल के समान होगा और इसकी जो दिशा होगी उस कण पर जो उस वृत्तीय फ्रेम का हिस्सा नहीं है उस पर बाहर की ओर कार्य करेगा। तो उस कण पर लगने वाला यह बल जो कि बाहर की ओर लगता है जिसका परिमाण अभिकेंद्र बल के समान है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र इसलिए क्योंकि अप का मतलब होगा बाहर। बात समझ आ रही है? ओके। किसी घूमते हुए निर्देश तंत्र में उपस्थित किसी वस्तु पर आभासी रूप से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। बात समझिएगा, ये इसकी बस डेफिनेशन है, इसको और प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी घूमते हुए मेज, ये कोई घूमता हुआ मेज है जो कि अपनी अक्ष पर घूम रहा है, इस घूमते हुए मेज पर अचानक से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे आके खड़ा होने का प्रयास करे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बल्कि जैसे ही वो इस पर खड़ा होगा वो बाहर की ओर गिर जाएगा। ठीक, ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति घूमते हुए मेज पर कूद करके सोचे कि अगर मैं इस पर खड़ा हो जाऊं तो उस पर खड़ा नहीं हो पाएगा, उस पर बाहर की ओर बल लगेगा और वो बाहर की ओर गिरता है। ये इसलिए बाहर की ओर गिरता है, झटके से गिर जाएगा, वो इसलिए भी गिरता है क्योंकि इसके और आपके इस घूमते हुए अक्ष के बीच में एक अभिकेंद्र बल कार्य करना चाहिए था जो कि नहीं कर रहा। यह अभिकेंद्र बल कार्य कर सकता था कब? उस व्यक्ति और उस घूर्णन अक्ष के मध्य अभिकेंद्र बल कार्य करता तो ये भी उसी पथ पर घूमता। तो ये कब पॉसिबल है कि इस पर अभिकेंद्र बल लगे, ये भी घूमे? अगर मैं इसके पैरों को इस डिस्क पर फिट कर दूं तो इसे प्रॉपर इंट्रैक्शन मिल जाएगा, मतलब आकर्षण बल से ये चिपक जाएगा, तब तो ये वृत्तीय पथ पर आराम से घूमता अभिकेंद्र बल से, क्योंकि ये चिपका नहीं है तो अभिकेंद्र बल इस पर एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि उतना ही समान परिमाण का बल इस पर बाहर की ओर कार्य करता है, गिर जाता है। ये एक आपने एग्जाम्पल देखा, केवल इतना ही नहीं और भी आपने देखा होगा किसी घूमते हुए झूले या फिर क्षैतिज वाला झूला हो चाहे वो ऊर्ध्वाधर झूला हो, इन सब में घूमते हुए आपने देखा होगा कि आपके आगे की ओर एक बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट आपको क्या करता है? पकड़े रखता है, बनाए रखता है। अगर ये बेल्ट निकाल दिया जाए तो घूमते हुए अचानक बेल्ट निकाल देने से उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो जो झूला है वो एक निर्देश तंत्र है, उस निर्देश तंत्र में जो उसमें व्यक्ति बैठा है वो कण या वस्तु है, अब वो घूमते हुए अचानक से उस सपोर्ट को हटा दे तो जो आवश्यक बल उस बेल्ट से मिल रहा था जिससे वो घूम रहा था, हटा देने से उतना ही बल उस कण पर बाहर की ओर लगेगा और व्यक्ति या वस्तु बाहर की ओर जा गिरेगी। तो ये जो आपने एग्जाम्पल सुना, ये एग्जाम्पल भी आपको अपकेंद्र बल में देखने को मिलता है। और यही नहीं, और भी मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे दूध से क्रीम का निकलना और कपड़ों का सुखाया जाना, ये सारे मेथड आपको अपकेंद्र बल के एग्जाम्पल में देखने को मिलते हैं।
आइए, तो अगर मैं इसके आभासी बल के बारे में बात करूं कि इसको आभासी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको इसका कोई आइडिया नहीं था कि जब आप घूम रहे थे तो इस पर कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको रिमूव कर दिया, मतलब कि आपने इस तंत्र में अपने आप को फ्री करने की कोशिश करी, तो अचानक आप पर ये बल कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसे आभासी या छद्म बल भी कहते हैं। यह बल घूमते हुए वस्तु पर अचानक कार्य करता है, अतः इसे छद्म बल स्यूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये है कहानी छद्म बल की, इसके एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। अब एप्लीकेशन अनुप्रयोग, घूमते हुए मेज पर खड़े व्यक्ति का बाहर की ओर गिर जाना। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूर से क्रीम का निकलना। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों क्या है, कपड़ों का ड्रायर मशीन में सूखना। घूमते हुए झूले से व्यक्ति का बाहर की ओर गिरना। तो ये सब जितने एग्जाम्पल्स आपने सुने, ये सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं अपकेंद्र बल के अनुप्रयोग में। एक एक करके थोड़ा इन पर डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी मैंने बताया, घूमते हुए मेज पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए या खड़ा है, अगर उसका वेग बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले मान लीजिए वो व्यक्ति मेज पर वो धीरे धीरे घूम रहा था, तो व्यक्ति हल्के हल्के घूम जाता था, क्योंकि व्यक्ति के पैर और उस डिस्क मतलब मेज के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन था जो उसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल देता। लेकिन जैसे ही घूम जाता तो उस पर अभिकेंद्र बल बढ़ जाता, उस मतलब व्यक्ति पर। अगर व्यक्ति पर अभिकेंद्र बल बढ़ जाएगा लेकिन वह अभिकेंद्र बल उसे उस घर्षण बल से प्राप्त नहीं होता, तो इस केस में वह अभिकेंद्र बल उस कण पर बाहर की ओर अपकेंद्र बल के रूप में कार्य करने लगता है, क्योंकि उस निर्देश तंत्र का वो हिस्सा नहीं है, वो चिपका तो है नहीं, इसलिए उस व्यक्ति पर बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल इसे बाहर की ओर गिरा देता है। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि दूध से क्रीम का निकलना, ये कैसे, जब किसी बर्तन में आप दूध को लेकर के उसे किसी डंडे से तेजी से घुमाते हैं, तो तेजी से घुमाने पर दूध में उपस्थित दूध के कण और क्रीम के कण दोनों मौजूद होते हैं, जहां दूध के कण का द्रव्यमान क्रीम के कणों के द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है। अच्छा, दूध के कणों का द्रव्यमान अधिक है तो वो क्या अनुभव करेगा, ज्यादा अपकेंद्र बल अनुभव करेगा, क्योंकि वह दूध के कण उसके हिस्से में नहीं आता, किसके, दूध के हिस्से में चिपका तो है नहीं,
तो दूध के कण जो है वो भारी होने की वजह से वो ज्यादा केंद्र बल अनुभव करते हैं और जाके बर्तन की दीवारों पर चिपके हुए मिलते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में। वहीं अगर मैं बात करूं क्रीम के कण, तो हल्के होने की वजह से वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। जब वो केंद्रित हो जाते हैं तो उसको तेजी से घुमा करके उसे हम अलग कर सकते हैं। इस तरीके से दूध से हम क्रीम को अलग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर है कपड़ों का ड्रायर मशीन में सूखना, ये कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या, आजकल हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी हैं जिसमें हम कपड़े मशीनों में ही सुखाते हैं। तो गीले कपड़ों को एक बर्तन में, एक सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, उसमें हम लोग कपड़ों को डाल देते हैं। जब हम उसको कपड़ों को जब बर्तन में डाल देते हैं तो उस बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में बहुत सारे छेद बने होते हैं। अब हम जब उस बेलन को तेजी से घुमाते हैं तो उसमें उपस्थित कपड़े भी तेजी से वर्टिकल अक्ष पे ऐसे करके घूमने लगते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे करके घूमने लगे। जब अंदर घूमने वाले कपड़े में उपस्थित जो जल के कण है वो उस वृत्तीय पथ का, मतलब उस कपड़े का हिस्सा नहीं है, तो वो कपड़ों पर एक अपकेंद्र बल कार्य करेगा और वो अपकेंद्र बल के कारण वो उस बर्तन में बने छेद से बाहर निकलने लगते हैं और काफी समय तक ये होते रहने से कपड़े काफी हद तक सूख जाते हैं, उससे जल अलग होते होते वो काफी हद तक थोड़े सूख जाते हैं। तो आगे बात करेंगे घूमते हुए झूले से व्यक्ति का बाहर गिरना। मैंने अभी बताया कि क्षैतिज झूला हो चाहे ऊर्ध्वाधर, दोनों ही झूलों पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वृत्तीय पथ पर अगर वो उस वृत्तीय पथ से हटने का या छोड़ने का प्रयास करे तो उस पर एक बाहर की ओर बल कार्य करने लगता है और जिससे वो गिर सकता है। यही कारण है कि अगर आपके साथ एक बेल्ट लगा होता है, उसमें कोई कमजोरी होती है तो आपको उस पर नहीं बैठने दिया जाता, क्योंकि कमजोर होने पर आप पर उतना ही अपकेंद्र बल कार्य करेगा और बाहर की ओर कार्य करने की वजह से आप उससे बाहर गिर सकते हैं। तो ये बातें हो गई अपकेंद्र बल के एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि मोड़ पर घूमने के लिए अगर कोई व्हीकल है हमारे पास तो मोड़ पर घूमने के लिए आवश्यक घर्षण बल कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।